झारखंड के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे गढ़वा जिले का टॉप 10 कॉलेज कौन है, जहां से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत ही जबरदस्त एजुकेशनल एनवायरनमेंट दिलाते हैं, तथा दूसरा इन कॉलेजों की डिग्री वैलिड होती है, जिसे लेकर आप देश और विदेश कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है वारांचल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। दोस्तों, यह एक ट्रस्ट है जो पूरे गढ़वा जिले में एजुकेशन फील्ड में क्रांति ला दिया है, तथा गढ़वा जिले में इस ट्रस्ट के बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे देवकी महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल, वारांचल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, वारांचल स्कूल ऑफ नर्सिंग, दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वारांचल कॉलेज ऑफ साइंस, वारांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तथा बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये सारे कॉलेज एक से बढ़कर एक है, तथा इन कॉलेजों में वर्ल्ड क्लास का स्टडी कराई जाती है। इन कॉलेजों से आप BHMS, BSc नर्सिंग, ANM, GNM, BEd, MEd, DMLT, MLT, BDS, MDS, ECG तथा और भी बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है गढ़वा पॉलिटेक्निक कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज जिले का एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तथा यह कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 2017 ईस्वी में। दोस्तों, इस कॉलेज का कैंपस भी काफी मॉडर्न स्टाइल का है। यह कॉलेज JUT यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कोर्स करना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए सुपर कॉलेज है। यहां से आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आता है श्री सतगुरु जगजीत सिंह नामधारी कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, तथा यह कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। इस कॉलेज में दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी उपलब्ध है, जिस कारण यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम बहुत ही अच्छा है। यह कॉलेज NPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ से आप IA, ISC, ICOM, BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM, BBA, BSc IT तथा BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आता है BSM कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, तथा इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट उपलब्ध है। इसकी स्थापना होती 1984 ईस्वी में। यह कॉलेज MAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तथा NPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ से आप IA, ISC, ICOM, BA, BSc तथा BCOM में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद नंबर 5 पे आता है गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, तथा यह कॉलेज स्पेशल वुमेन कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 ईस्वी में। यह कॉलेज भी NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तथा NPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी उपलब्ध है, जिस कारण यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिल जाता है। यहाँ से आप IA, ISC, ICOM, BA, BSc तथा BCOM में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे आता है SPDC कॉलेज, सूरत पांडे डिग्री कॉलेज। यह कॉलेज भी दोस्तों बहुत अच्छा कॉलेज है, तथा इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। यह कॉलेज NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तथा NPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इस कॉलेज से आप IA, ISC, ICOM, BA, BSc तथा BCOM में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे आता है इंदिरा सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। दोस्तों, यह कॉलेज स्पेशल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, इसलिए अगर आप अपना कैरियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा।
इसकी स्थापना हुई थी 2006 ईस्वी। यह कॉलेज NPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा NCTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप BEd और DELED में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पे आता है गोपीनाथ सिंह BEd कॉलेज। यह कॉलेज भी दोस्तों स्पेशल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ही है, इसलिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए एकदम परफेक्ट कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 ईस्वी में। यह कॉलेज भी NPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा NCTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से भी आप BEd और DELED में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पे आता है RKBS संस्थान। यह कॉलेज भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ही है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ टीचर ट्रेनिंग में ही कोर्स कराया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2013 ईस्वी में तथा यह कॉलेज भी NPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और NCTE द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से भी आप BEd और DELED में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 10 पे आता है तेतरी चंद्रवंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यह कॉलेज भी दोस्तों बेस्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी। यह कॉलेज भी NPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा NCTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से भी आप BEd और DELED में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों यह है गढ़वा के टॉप 10 कॉलेज, जहाँ से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही जबरदस्त डिग्री भी दिलाते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।